हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अवे एजुकेशनल पॉइंट। आज का जो वीडियो है वो ओ लेवल की सेकंड बुक इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। यह बुक, इसमें थ्योरी का पोर्शन बहुत ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स को जो काफ़ी बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल के लिए केवल HTML का पार्ट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैं आपको बताऊँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट तो देख लेते हैं, इंटरनेट क्या चीज़ है। द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। जो इंटरनेट है वो ग्लोबली फैला हुआ है और आपस में कनेक्टेड है कंप्यूटर के थ्रू, और जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हम आगे पढ़ेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं वो एक बेसिकली जनरलाइज्ड रूल्स हैं जिनका फॉलो करते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए, टू लिंक डिवाइस वर्ल्ड वाइड डिवाइस को लिंक किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू, जो आपस में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, चाहे नेटवर्क का भी नेटवर्क है, मतलब कि कई नेटवर्क से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स ऑफ लोकेट टू ग्लोबल स्कोप, लिंक्ड बाय अ ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। द इंटरनेट कैरीज एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड सर्विसेज सच एज द इंटर लिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोनी एंड फाइल शेयरिंग। हम वर्ल्ड वाइड वेब में का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, टेलीफोनी और फाइल शेयरिंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज में ईमेल्स आप सभी लोग यूज करते हैं, ईमेल्स एक दूसरे को लेटर्स की तरह होता है, जैसे हम पोस्ट ऑफिस में लेटर भेजते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है। आप एक जगह बैठकर मेल टाइप करके किसी दूसरे को सेंड कर सकते हैं। मेलिंग लिस्ट में नेम और एड्रेसेस जुड़े होते हैं काफ़ी लोगों के। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जो डाउनलोडिंग करते हैं वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। यह प्रोटोकॉल भी आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है प्रोटोकॉल से भरी हुई है पूरी बुक। न्यूज़ ग्रुप्स, यूजनेट जिसे कहते हैं, इसमें बेसिकली कई अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, एजुकेशनल बेस्ड, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, और यहाँ पे यूज़र जुड़कर अपने व्यूज एक्सचेंज करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब तो हम सभी यूज़ करते हैं, ग्लोबली फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, वेबसाइट वर्सेस वेब पेजेस। वेबसाइट और वेब पेजेस में अंतर क्या है वो भी देखते हैं। वेब पेज आर पार्ट ऑफ वेबसाइट, जो वेब पेजेस हैं वो वेबसाइट्स का भाग होते हैं। वेबसाइट इज अ प्लेस ऑन द इंटरनेट वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्टोर। वेबसाइट वो जगह है इंटरनेट पर जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन इकट्ठी रहती है, बेसिकली एक जगह है जहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं। वेबसाइट इज लाइक अ बुक एंड पेजेस ऑफ बुक्स इज लाइक वेब पेजेस ऑफ वेबसाइट। आप ये समझिए जैसे कोई बुक है तो बुक को आप रेफर कर सकते हैं कि वो
एक वेबसाइट है और जो उसके पन्ने हैं, जो पेजेस हैं, वो उसके वेब पेजेस हैं। तो बेसिकली वेब पेजेस जो हैं वो वेबसाइट का एक भाग है, और वेबसाइट जो है एक जगह है जहाँ पर वो वेब पेजेस रखे हुए हैं। ठीक है, वेबसाइट और वेब पेज में यही अंतर है। नेटिकेट्स, नेटिकेट इज अ बेसिक रूल फॉर करेक्ट बिहेवियर ऑन इंटरनेट। एक जो रूल्स हैं कि आपको इंटरनेट पर किस तरह का बिहेवियर रखना है उसको बताते हैं। द वर्ड नेटिकेट इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स इंटरनेट एंड एटिकेट। ये दो शब्दों से बन के बना है, एक इंटरनेट एंड दूसरा एटिकेट। बेसिकली वही है कि आप इंटरनेट पे किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, आपका नियम शिष्टाचार कैसा है, यह बताता है। नेचर ऑफ पुअर नेटिकेट, जो बेकार नेटिकेट्स हैं जो हमें नेट इंटरनेट पर नहीं करने चाहिए, वो कौन कौन से हैं। पुअर ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर। पुअर ग्रामर और स्पेलिंग एरर तो बेसिकली सभी करते हैं, मगर ये नेटिकेट्स के अंदर नहीं आता, इससे हमें बचना चाहिए। जंक मेल, जो एक यूजर से दूसरे यूजर को कई जंक मेल भेजे जाते हैं, इनरेलीवेंट इंफॉर्मेशन होती है जंक में, जो यूजर के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, भेजे जाते हैं, वो भी नेटिकेट के अंदर नहीं आते। हार्श लैंग्वेज, हार्श लैंग्वेज का यूज हमें नहीं करना चाहिए, हमें अच्छी बातों का यूज करना चाहिए, तो हमें यूज नहीं करना चाहिए कि अब्यूजिंग लैंग्वेज हम ना यूज करें इंटरनेट पर। नेक्स्ट है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इज क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क। साइबर क्राइम वह क्राइम है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क इन्वॉल्व रहते हैं। द कंप्यूटर मे हैव बीन यूज्ड इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम और इट मे बी अ टारगेट। जो कंप्यूटर है वो या तो साधन हो सकता है या फिर वो टारगेट हो सकता है, मतलब या तो उससे क्राइम किया गया हो या उस पर क्राइम किया गया हो, वो टारगेट हो। साइबर क्राइम कैन बी डिफाइन एज ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप। वो अपराध जो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के खिलाफ किए गए हों। क्रिमिनल मोटिव टू इंटेंशनली हार्म द रेपुटेशन ऑफ विक्टिम और कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म। जानबूझकर किसी को हार्म पहुंचाना, मेंटली हो या फिजिकली हो, या लॉस किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो। यूजिंग मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज इंटरनेट। बट नेटवर्क इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू चैटरूम्स, ईमेल्स, नोटिस बोर्ड और ग्रुप एंड मोबाइल फोन्स। अगर आप मोबाइल फोन्स पर SMS या MMS भी भेज के किसी को परेशान करते हैं, फिजिकली या मेंटली हार्म पहुंचाते हैं, वो भी साइबर क्राइम्स के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट है साइबर क्राइम मोड्स एंड मैनर्स। किस किस तरह के साइबर क्राइम होते हैं। पहला है अनऑथोराइज एक्सेस या हैकिंग। हैकिंग बेसिकली है कि कोई व्यक्ति है वो आपके सिस्टम में आपके बिना परमिशन के एक्सेस कर ले, जिसको अनऑथोराइज एक्सेस कहते हैं, विदाउट परमिशन आपके सिस्टम या नेटवर्क का यूज कर रहा है। दूसरा है ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग में क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन पर ईमेल की बरसात सी कर दी जाती है, मतलब कि उस पर लगातार ईमेल भेजे जाते हैं, इतने ईमेल भेजे जाते हैं कि उसका सर्वर ही क्रैश हो जाए, उसे हार्म पहुंचाने के लिए ईमेल की बारिश कर जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग। थर्ड है डाटा डिलिंग। डाटा डिलिंग में आपका जो डाटा है उसको चेंज कर दिया जाएगा,
जैसे कि अगर आप किसी भी डाटा को एंटर करते हैं तो उसे बीच में ही चेंज कर दिया जाता है, जो आप पर प्रोसेस होकर जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो गलत होगी, जिसको कहते हैं डाटा डिडलिंग। आपके डाटा को ही चेंज कर दिया, रॉ डाटा को चेंज कर दिया जाता है इसमें। वायरस अटैक्स, वायरस अटैक्स तो ये भी सब जानते होंगे, फिर बता देता हूँ मैं। वायरस अटैक्स ये होता है कि आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं, जब आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं तो आपका कंप्यूटर के जो फंक्शन है वो सही से काम नहीं करते, कई अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स पड़ते हैं, कई आपकी फाइल इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं, कभी कभी फॉन्ट्स चेंज हो जाते हैं, आपके सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है, बहुत तरह के इफेक्ट्स पड़ जाते हैं जिससे कि आपके कंप्यूटर सही से वर्क नहीं करता है। अगला है वेब जैकिंग। वेब जैकिंग बेसिकली है वेब हाईजैक, मतलब आपके वेबसाइट को हाईजैक कर लिया जाता है। जो हैकर है वो आपकी वेबसाइट को हाईजैक कर लेगा, आपके जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसको चेंज कर सकता है। बेसिकली ये जो किया जाता है वो कुछ रैंसम के लिए किया जाता है, जिससे पैसे वैसे लिए जाते हैं, इसलिए इसको वेब हाईजैकिंग कर लिया जाती है, आपकी वेब को हाईजैक कर लिया। अगला इंटरनेट टाइम थेफ्ट। इसमें क्या है कि इसमें हैकर आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड को ले लेता है, और जो आपके सर्फिंग्स आ रहे हैं जिस पर आप सर्च करते हैं उसका यूज आप ना करके वो हैकर कर रहा होता है, इसको कहते हैं इंटरनेट टाइम थेफ्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें और आप शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और आपकी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमसे जुड़े रहिए है।